हेलो दोस्तों, स्वागत है अमन बाइक पॉइंट में। ये पल्सर 150 जो है वो इसमें एक दिक्कत है, ये 10-5 किलोमीटर चल के बंद हो जाती है। बिल्कुल किस में समस्या है और बंद हो जाती है, किक में प्रेशर नहीं रहता बिल्कुल। अभी ये देखो, बिल्कुल ऐसे ही किक जा रही है इसकी डाउन। तो इसके वाल में दिक्कत है, हम खोल के देखते हैं कि वाल में अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत आती है तो वाल कैसे ख़राब होते हैं, क्या पता लगता है कि वाल ख़त्म है। तो उसके लिए हम हेड खोल के देखते हैं और फिर आपसे शेयर करते हैं बात की कौन क्या दिक्कत है। तो इसका हमने हेड खोल लिया है और इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि समस्या थी, रात को चला जब तक चल रही जब तक ठीक है, रात को खड़ी करो या 2 घंटे खड़ी करो तो किक का प्रेशर भग जाता था। तो टैपिट कितने लूज कर लो, लूज होने के बाद भी भग रहा था, या तो यानी कि इसके वाल ख़राब थे। तो इसका हमने हेड खोला है, ये हैं इसके वाल। अब वाल इतने बुरे ख़राब हैं इसके, फिर देखो ये वाला जो वाल है, ये सीट पे जो हेड की जो सीट होती है उस पर कितना भार है और ये कितना अंदर चला गया। तो ये बिल्कुल ख़त्म है वाल, तो गाड़ी बिल्कुल चली रही है, वो भी पिकअप नहीं है, सेसे झुटती है। तो इसे हम खोल लेते हैं, फिर इसकी वाल की कंडीशन आपके सामने बिल्कुल लाइव दिखाएंगे। खोलो जी हेड। पहले वाल निकालो। आराम से ये दिखाओ मुझे। ये है पेट्रोल वाला वाल, मतलब ये इनलेट वाल है जो पेट्रोल खींचता, जिससे गाड़ी का प्रेशर बनता, टाइट हो जाएगा तो इसे लूज करना पड़ता। अब ये देखो, दोहरे से दिखाता हूँ, 1 सेकंड रुको, कितना ख़त्म हो गया। तो दोस्तों मैं ये है वाल, मैं वहाँ से इधर से ला के दिखाया हूँ, वहाँ पे धूप की परछाई जा रही है ताकि सही से दिख सके। तो ये जो वाल है ये वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन घिस घिस के ना बिल्कुल जैसे छोटा है, इसकी कंडीशन में ही आ गया। तो ये क्या है, गाड़ी धक्के मार के तो स्टार्ट हो रही है या फिर 50 की बजाने के बाद स्टार्ट हो रही है, और ये वाल बिल्कुल ख़त्म हो गया इससे। ये देखो साइड से, 1 सेकंड, ये देखो ये बिल्कुल झंड हो गया है वाल। तो कहने का मतलब ये है कि वाल ख़त्म है, और वाल डालते ही स्टार्टिंग की प्रॉब्लम और एवरेज और पिकअप तीनों चीज़ में बहुत 100% बदलाव हो जाएगा। और एक बात, ये जो गैस केटस की हालत देखो, यहाँ से पहले ऑयल भी लीकेज कर रहा था। तो आपकी गाड़ी के वाल ठीक हो या ना हो, अगर आपकी ये हेड का गैस किट लीक है तो स्टार्टिंग में दिक्कत करेगी, प्रेशर में दिक्कत करेगी। तो कभी भी वाल बदलो तो हेड की ये पैकिंग ज़रूर बदलनी है, और ओरिजिनल बदलनी है, इस पर बोन्ड नहीं लगानी। बहुत से मिस्त्री क्या करते हैं या जो भी है, इस पर बोन्ड लगा देते हैं, तो बोन्ड बिल्कुल नहीं लगानी। तो अब हम इसके वाल बदल देंगे इसके। तो दोस्तों ये स्टार्टिंग की प्रॉब्लम थी इसमें, और धक्के से स्टार्ट हो गई थी, 2-3 घंटे खड़े करने के बाद धक्के से स्टार्ट होती थी, या फिर 50-100 किक बजाओ। तो ये छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचानी थी कि अगर आपके साथ किक में प्रेशर बार बार भग रहा है तो क्या दिक्कत है, उसके लिए क्या चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसके वाल और वाल सील चेंज कर देंगे, बिल्कुल समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो इस वीडियो में आज की मैं इतनी जानकारी थी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।